মা দুর্গার আগমনে উল্লাসে আলিঙ্গনে মহামারী মুছে যাবে আজ ঠাকের পিঠে পড়লো কাঠি পুজো হোক জমজমাটি নতুন সাজে সেজেছে আকাশ মেঘের বেলা চলছে ধুনু জিলাল আশোলার ঘন্টা বাজে এলো আনন্দ সাজে আকাশে পূজার বন্ধুরা লাগলো দোলা কাশের বনে হিমেল শরৎ টানে লাগলো দোলা কাশের বনে হিমেল শরৎ টানে সৃষ্টি চাওয়া পাওয়া আড্ডা সপ্তমীটা সেলফিতে সেজেছে অষ্টমী অঞ্জলি আর নবমী জমজমকে আকাশে পূজোর বন্ধুরা वेलकम टू माय चैनल। और अभी आज हम लोग आए हुए हैं पूजा घूमने के लिए और अभी काफ़ी भीड़ हो रहा होगा आप देख रहे होंगे। और आज सबसे पहले ये सेक्टर 2 पे है और भीड़ के साथ ही मज़े तो नहीं आ रहे क्योंकि मैं अकेला घूम रहा हूं, उसके वजह से यहां पे कोई नहीं है, देख के जाना पड़ रहा है कि बहुत ज़्यादा ही भीड़ है। इधर मैं इधर उधर होते होते ही जा रहा हूँ और मेरे पीछे ये फूड स्टॉल वगैरह है जो कि यहाँ पे उतना खास कुछ खाने के लिए मिल नहीं रहा है तो पास से खाना। बहुत शांति है क्योंकि वहाँ ज़्यादा भीड़ था और यहाँ पे बहुत कम भीड़ है, उसके हिसाब से तो काफ़ी अच्छा है। और दुकान वगैरह काफ़ी ज़्यादा ही है यहाँ पे तो। और मेरे सामने पुलिस वाले भी जा रहे हैं, बहुत कोई है। और साथ में इधर देख पा रहे मेरे पीछे काफ़ी ज़्यादा ही सामान वगैरह रखा हुआ है जहाँ पे आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हो। तो ये है मोमोज, देखते हैं ट्राई करके उसका टेस्ट कैसा रहता है, फिर आपको बताते हैं कि वो आप
खाने लायक है या भी नहीं है। चीयर्स। मोमोज खाने के बाद पता चला कि मोमोज जो वेज मोमोज मिल रहा था, मतलब बाहर अगर खाओगे तो सही रहता है, बट यहाँ का मोमोज ना टेस्ट में अच्छा रहता है ना प्राइस में अच्छा रहता है वगैरह। प्राइस बहुत ज़्यादा रहता है बट टेस्ट भी कुछ खास रहता नहीं है यहाँ का। तो आई थिंक आइसक्रीम अगर आप खाते हो तो बेटर रहता है यहाँ पे आके, बाकी सब चीज़ से तो बेटर आइसक्रीम। अभी गाइस हम लोग आए हैं एक नंबर का बी ब्लॉक पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। राष्ट्रपति भवन का वो लोग का स्टेचू बनाया गया है तो काफ़ी अच्छा है, तो काफ़ी अच्छा है। दो नंबर आए हुए हैं और जल्दी से निकल लेते हैं क्योंकि आज एक दिन में सब जगह घूमना पॉसिबल नहीं होगा और काफ़ी ज़्यादा भीड़ की वजह से गर्मी बहुत लग रहा है। सो गाइस आज का वीडियो यहीं पर रखते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।